क्या खुश होने के लिए मुझे कोई कारण चाहिए, उसके बारे में आज बातचीत करते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सवाल यह है कि क्या खुश होने के लिए मुझे कोई कारण चाहिए। लोगों को खुश होने के लिए कारण चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए। देखो, लोग दुखी होते हैं तो दुखी जो लोग है वो या उदास है या नर्वसनेस आया हुआ है तो वो निकालने के लिए, मतलब खुश होने के लिए, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कोई दुखी है तो वो बाहर निकल जाएगा, घूम के आएगा, टहल के आएगा, बगीचे में जाएगा। कोई दुखी व्यक्ति या उदासी व्यक्ति जो है वो मार्केट में जाएगा, वहाँ कोई होटल में जाएगा, खाएंगा, चले आएंगा। फिर कोई उदास व्यक्ति है या डिप्रेशन में, वो मार्केट से जाके कोई खरीद लेगा। कोई डिप्रेस व्यक्ति है, वो सेक्स कर लेता है और उसको अच्छा लगता है। कोई डिप्रेस व्यक्ति है, वो खेलता है, उसको अच्छा लगता है। क्या खुश होना है तो कारण चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। कारण की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यदि खुश होने के लिए डिपेंड है किसके ऊपर तो आप कभी खुश हो नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे 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 दौड़ना पड़ेगा, कारणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा। एक 99 साल की लेडी बुढ़िया, उसको वृद्धाश्रम में जाना था, तो उसको वृद्धाश्रम में वो गई और उसको वहाँ दाखिल होना था वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम के जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि आपके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? मतलब हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर में है ना, हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर में कोई कमरा नहीं है। बोले फिर, बोले हमारे यहाँ ऊपर कमरा है मगर आपको सूट नहीं होगा। बोले क्यों? बोले आपकी उम्र ज़्यादा है, आप ऊपर कैसे जा सकते? बोले क्या प्रॉब्लम है, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, यदि फर्स्ट फ्लोर पे है तो मुझे बता दो। बोले ठीक है, हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते। फिर वो फर्स्ट फ्लोर के उनको लेके गए तो वहाँ उन्होंने एक 8x8 का कमरा उनको बता दिया। बोले बहुत ही छोटा कमरा है आपके लिए, देखिए अभी एक ही कमरा बचा हुआ है। बोले बहुत ही वंडरफुल, बहुत फैंटास्टिक, ये तो कमरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बोले यार ये तो अलग ही बुढ़िया दिख रही है, अलग ही औरत दिख रही है। बोले ठीक है, इसका जो है ना ये खिड़कियाँ जो है वो पश्चिम के तरफ है, शाम के समय बहुत धूप आती है, आपको धूप सहन नहीं होंगी और आपको बहुत तकलीफ होंगी यहाँ। बोले वंडरफुल, शाम के समय जब सूरज डूबता हुआ मैं देखूंगी तो उसमें से मुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी। बोले आपको ऐसा, मतलब सब मैं अपोजिशन बता रहा हूँ, अपोज पॉइंट बता रहा हूँ, उल्टे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको फेवरेबल नहीं है, और आप कैसे बोलेंगे कि मैं हैप्पी हूँ या वंडरफुल या फैबुलस ऐसा बोल रही है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि हैप्पीनेस इज द डिसीजन विच आई मेक बिफोर एनकाउंटरिंग एनी सिचुएशन। खुशियाँ जो है या खुश होना जो है वो मेरा डिसीजन होता है, और मैं वो डिसाइड कर लेती कि मेरे को खुश होना है कोई भी सिचुएशन का सामना करने के पहले ही। इसका मतलब मैं कोई सिचुएशन से खुश नहीं होती हूँ, सिचुएशन को एनकाउंटर करना है, उसके सामना करना है, उसके पास में उसके पहले मैं खुश हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे अंदर है, मेरी खुशियाँ बाहर नहीं है। तो ये सुन के तो वो मैनेजर चौंका गया, बोले बहुत बढ़िया है। उसके मुंह से फिर वर्ड निकले बहुत बढ़िया। क्या होता है कि हम बहुत खुशियों के पीछे दौड़ते रहते हैं और खुशियाँ आगे आगे हम पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं और कभी खुशी मिलती ही नहीं है। देखो, हमारा कंट्रोल किसी के ऊपर भी नहीं है। हमारा कंट्रोल ना ट्रैफिक के ऊपर है, ना पोल्यूशन के ऊपर है, भीड़ भाड़ के ऊपर है। आप यदि बॉम्बे में जाते हो तो आपको चलना नहीं पड़ता है, आप ट्रेन से, ट्रेन में यदि है ना, लोकल ट्रेन में, तो आपको उतरना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ वहाँ दरवाजे के आजू बाजू खड़े रहो, आपको नेचुरली बाहर निकाल देंगे। या आप दरवाजे के, ट्रेन आ गई और आप दरवाजे के सामने खड़े हैं ट्रेन के, तो आप ही आप अंदर जाएंगे, क्योंकि इतना वो फोर्स पीछे से आता है कि आपको अंदर ले जाता है। तो आपको मतलब वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, आपको पोल्यूशन है, करप्शन है, टेंशन है, यू नो, आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें आपको हार जीत हो जाएंगी, तो उसमें आप बहुत डिप्रेस हो सकते हैं या टेंशन में आ सकते हैं। मतलब काफ़ी आपको लगता है कि नहीं, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, लोगों से आपकी काफ़ी अपेक्षाएं होंगी और आप लोग पूरे नहीं कर सकोगे, आप अपसेट होंगे, आपको गुस्सा आएगा, कुछ भी हो सकता है, आपकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स होंगी और वो कंप्लेंट की वजह से आप दुखी होंगे या अपसेट होंगे। मतलब काफ़ी सारा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, और फिर ये सब सारे प्रॉब्लम है तो आप खुश कब होंगे? आप तो हरदम टेंशन ही रहेगा, और काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो उसी की वजह से कि आप टेंशन में हो। जब आपके सामने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो है, वहाँ से आपको गिल्ट आएगा, अपराधी बोध की, अपराध बोध होगा या अपराधीपन की भावना आएंगी, आपको रिवेंजफुल एटीट्यूड होगा, बदला या खुन्नस दिमाग में रहेंगी, आपको गुस्सा आएगा, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। और आपको यदि सरकमस्टेंसेस का बलि पड़ने का है तो आपको हरदम टेंशन में रहना पड़ेगा, और टेंशन में आप रहोगे भी। आपकी खुशियाँ लोगों के ऊपर है नहीं, आपकी खुशियाँ बाहर है नहीं। आप कोई भी सिचुएशन को एनकाउंटर करते हैं तो आप खुद
पहले खुश है और उसको एनकाउंटर कर रहे हैं। ऐसा होता है कि सुबह आप उठते हो तो बोले आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं उठते, उठते हैं तो बस अभी सो गए अभी उठना चाहिए करके उठते हो, बहुत ऐसा एक्साइटमेंट में उठते नहीं है, कल से सुबह उठेंगे, एक्साइटमेंट में उठो, खुशियों में उठो, लोगों से कंप्लेंट करना छोड़ दो, क्योंकि लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे, लोग आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे। देखो आप जब कहीं भी काम करते हो लोगों के साथ में है, लोगों के जंगल में है, लोग आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करेंगे, लोग गलतियां करेंगे, आपको लगता है कि उसने गलती की, मैं राइट हूं, वो रॉन्ग है, और उसको लगता है कि वो राइट है, हम रॉन्ग है, फिर क्या यही झगड़ा करते रहेंगे और आप कभी खुश नहीं होंगे। हर एक को लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सत्य है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो एक में है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सोचना बाकी चाहता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा देखने का नजरिया है जो वही सही है, मैं सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है और वो एक ही है, इसलिए मैं अड़ा हूं, और फिर प्रॉब्लम्स है। आज से आप ये देखेंगे कि कुछ भी सिचुएशन के ऊपर आप डिपेंड नहीं, आपकी खुशियां डिपेंड नहीं। देखो ना 3 साल का बच्चा, उसको लगता है आनंद खुश होने का कारण कोई कारण नहीं, मस्त खेलता है, कूदता है, कुछ करेगा, घूमेगा फिरेगा, जंप करेगा, बहुत खुश रहता है, उसको कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने के लिए। वैसा हम रह सकते क्या? वैसा हम रहेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां हमारे पास में आएंगी नहीं, और जीवन जीने में बहुत मजा आ जाएगा। तो ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करो जो छोटे छोटे कारण से दुखी है, छोटे छोटे कारण से अपना जीवन जो है ना वो टेंशन में लाते हैं, और अपना जीवन उनको मतलब ऐसे दिन काटना पड़ता है। तो आज से दिन काटना बंद करो, जीना चालू करो, जीवन जीना। मेरा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर नाम का ऐप है, वो डाउनलोड करो, वहाँ आप सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम्स है, मनोविकार के बारे में प्रॉब्लम्स है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके मेरी सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।